हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका बाइकेटिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल में। गाइस, क्या आपके अकाउंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि बी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन? मैं एक अकाउंट है उसको ओपन कर रहा हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, मैं इस अकाउंट को ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑप्शन मतलब आता है वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन, ये अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। तो गाइस, क्या आपके भी अकाउंट में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है? तो जो मैं सोल्यूशन दूंगा आपको, वो सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आपका अकाउंट समथिंग रिकवर हो जाएगा। हालांकि गाइस, मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ, एक बंदे की आईडी में ये प्रॉब्लम्स थी गाइस। वो अपना अकाउंट ओपन करता था तो बी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन ऐसा ऑप्शन उस पर आता था, अकाउंट उसका ओपन नहीं होता था। मैंने उसको रिकवर कर दिया था गाइस। तो गाइस, आपको करना क्या, कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं ये गाइस, ठीक है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप जो हेल्प रिपोर्ट जो गाइस होती है वो सबमिट करने के बाद आपका जो एफबी टीम होती है वो 24 आवर्स बाद रिस्पॉन्स कोई करती है, ठीक है। तो अकाउंट है वो आपका ओपन हो जाता है। और कुछ लोग करते क्या है, एफबी जो टीम होती है रिस्पॉन्स नहीं करती 24 घंटे बाद गाइस। तो बोलते हैं भाई आया नहीं है, मेरे पास मैसेज नहीं आया। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। एक दिन आपको वेट करना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको फिर से जो मैंने स्टेप बताए सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अगर उस वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसी के लिए नया वाला मैं वीडियो गाइस बनाया है मैंने। ये गाइस प्रॉब्लम आती कैसे है, जैसे कि आप पबजी खेलते हो, ठीक है। पबजी में आपका ये अकाउंट है, लॉगिन है, ठीक है। लॉगिन अब वहाँ पे छोटी मोटी हैकिंग करते हो, ठीक है। हैकिंग करने के बाद जो बंदे 4 होते हैं, ठीक है, उसमें से कोई बंदा एक रिपोर्ट मार देता है तो आपका अकाउंट है ना इस टाइप का हो जाता है गाइस। क्योंकि मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई हैं वो पबजी वाले बंदों की हैं, तो उनकी आईडी में ये प्रॉब्लम आई है। दूसरी गाइस ये बात, ठीक है, आप जैसे कि टेम मेल से अपने आईडी बना ली, ठीक है, फेक जीमेल वगैरह लगा के आप रियल का इसमें जीमेल डाले, तो आपको गाइस करना क्या है, वो टेम मेल से कोई भी आपको मेल मतलब एफबी में नहीं सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपको फाइट करनी है, ठीक है, तो टेम मेल से आप आईडी बना सकते हो जीमेल सेलेक्ट करा के गाइस। तो आपको अगर पर्सनली आपको चलाना जैसे कि पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, इसमें चलाना है तो आपको अपनी रियल वाली आप जीमेल डाल दीजिएगा। क्योंकि बाद में आपका अकाउंट जैसे बी रिसीव इन्फॉर्मेशन ऐसा कोई इशू आता है तो आपका अकाउंट रिकवर होने के चांसेस हैं। अगर आपका टेम मेल से जो आपकी जीमेल उसमें लगी होगी गाइस, तब मेल आएगा नहीं, आपका अकाउंट है वो रिकवर नहीं होगा गाइस। अगर आपके अकाउंट पे अगर आप जीमेल एंड फ़ोन नंबर दोनों ऐड हैं तो आपको तो आपके जो अकाउंट है रिकवर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर ही ऐड है तो उसमें अगर जीमेल ऐड नहीं है तो गाइस रिस्की थोड़ा हो सकता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट पे लगा है, ठीक है, तो आपको क्रोम ब्राउजर से अब लॉगिन करना पड़ेगा। जो मैं स्टेप बताऊंगा सारे स्टेप आपको क्रोम ब्राउजर से फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके फेसबुक अकाउंट में जीमेल ऐड है तो आप गाइस आप ऑफिशियल फेसबुक से ही कर सकते हो। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। उससे पहले गाइस, अगर आप बाइकेटिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही बेल आइकन को ऑल कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे मैं देखिए गाइस फेसबुक सर्च करता हूँ, ठीक है। फेसबुक यहाँ से आपको यहीं से लॉगिन करना है अपना अकाउंट, ठीक है। तो ये फेसबुक की जो साइट है ओपन होके आ गई, ठीक है। आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये अकाउंट ही यहाँ पे लॉगिन हो गया, मतलब हमारा ये वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ रहा है। तो आपको क्रोम ब्राउजर से करना है। अब गाइस, आपको करना क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ का आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ से वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन अकाउंट तक यहाँ तक आपको ये सारा कॉपी कर लेना है। तो बात यहाँ की गाइस होगी, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट आपको सर्च करानी है, रिपोर्ट ये लॉगिन इशू गाइस, ये देखिए इसको गाइस आपको सर्च कराना है और किसी को मत गाइस सर्च कराना, ठीक है। रिपोर्ट ये लॉगिन इशू हमारा ये जो पहली साइट गाइस ओपन होके आ गई, यहाँ पे आपको चले जाना है। जाने के बाद गाइस इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस बंदे की आईडी वो जीमेल वगैरह इसमें नहीं मांग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ क्रोम ब्राउजर से गाइस करके रखा तो इसका जीमेल नहीं मांगा, वरना अब यहाँ पे एक जीमेल का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके गाइस आता है। वहाँ पे जो गाइस आपने कॉपी किया था यहाँ पे आपको पेस्ट करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू में, प्रॉब्लम से यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, ठीक है गाइस, यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे चूज योर फाइल का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपने स्क्रीन शॉट लिया था यहाँ पे वो सेव करना आपको, ठीक है। तो चूज योर फाइल पर आपको चले जाना है। तो गाइस, मैंने जो वहाँ से स्क्रीन शॉट लिया था यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा दिया उसको, ठीक है। कराने के बाद गाइस यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको सेंड कर देना है। जो हमारी हेल्प रिपोर्ट है यहाँ से एक सबमिट हो गई, ठीक है। फिर से गाइस इस वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। आने के बाद गाइस यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस यहाँ पे एक और साइट आपको सर्च करानी पड़ेगी, सिक्योरिटी या प्रिवेंटिंग लॉगिन गाइस, ये देखिए यहाँ पे ये रहा, आपको ये सर्च कराना है। जो फर्स्ट साइट आपको दिखेगी इसको आपको चले जाना है। यहाँ पे गाइस देखिए जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जो आपने वहाँ पे मतलब पेस्ट किया था गाइस सेम यहाँ पे आपको वही पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद चूज फाइल जो वहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट दिया था यहीं पे आपको वो सेव करना है, ठीक है। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो सेव करा दिया। अब कराने के बाद गाइस यहाँ पे सेंड का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सेंड कर देना है।
ये गाइस हमारी दूसरी भी हेल्प रिपोर्ट जो सबमिट हो गई। तो यहाँ पे गाइस आपको एक साइट सर्च करानी पड़ेगी, फेसबुक फीडबैक, ये देखिए गाइस। इसके बाद गाइस ये फर्स्ट वाले पे आपको चले जाना है। यहाँ पे ये साइट ओपन होके आ गई, आपको ये फर्स्ट पे भी नहीं जाना, सेकेंड पे भी नहीं जाना, ये थर्ड वाले पे आपको जाना है, ठीक है। इसे क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट मांग रहा है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई थी वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट वही रहेगा गाइस। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो और फीडबैक, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जो आपने पेस्ट किया था गाइस, यहाँ पे सेम आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेंड कर देना है। ये हमारी तीसरी भी हेल्प रिपोर्ट वो सबमिट हो गई, ठीक है गाइस। अब आपको वेक आ जाना है। आने के बाद गाइस ये जाने के बाद गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेसिकली उन जो मैंने तीन साइटें आपको बताई हैं, उन तीनों साइटों से हमारा अकाउंट है वो रिकवर हो जाता है। उस बंदे की आईडी के जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बस तीन ही वहाँ पे हेल्प रिपोर्ट सबमिट की थी, उसका अकाउंट है रिकवर हो गया था। अगर आपका मतलब उन तीन रिपोर्ट से मतलब अकाउंट रिकवर नहीं होता, 24 घंटे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो गाइस ये 4 से 5 बार ट्राई करना है। गाइस इस साइट में आपको करना है क्या, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का देखिए हमारा लॉगिन इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन सेलेक्ट कराता हूँ, उसके बाद ये योर फीडबैक का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है गाइस, ये देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपने पेस्ट किया था, सेम यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपका अकाउंट दो तीन साइटों से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, अपना रिकवर नहीं होता है, तब गाइस आपको ये चौथा वाला ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट, मतलब चौथी वाली साइट से ये प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। तो यहाँ पर ये कर देना, उस करने के बाद गाइस यहाँ पे सेंड का ऑप्शन देखिए, आपको सेंड कर देना है, ठीक है गाइस। हमारी ये चौथी रिपोर्ट थी वो हेल्प रिपोर्ट, वो सबमिट हो गई। अब आपको 24 घंटे वेट करना है, ठीक है, कोई रिस्पांस आता कि नहीं आता है। आपके मेल, आपने अगर जीमेल से किया होगा तो आपके जीमेल पे एक मेल आएगा गाइस, उस मेल पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जाने के बाद गाइस अकाउंट वहाँ से आप लॉगिन कर ली। कभी क्या होता है गाइस कि 24 घंटे में कोई रिस्पांस आ जाता है, ठीक है, कभी कभी होता है गाइस कि 24 घंटे में रिस्पांस नहीं आता है, तो आपको 4 से 5 बार करने हैं इसको, ठीक है गाइस, तभी आपका अकाउंट है रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर गाइस आपका अकाउंट है वो मोबाइल नंबर से बना है, तो आपको 24 घंटे बाद मोबाइल नंबर से ट्राई करके देखना आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, देन अभी तक अपने वाइकेटेक्स इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही बेल आइकन को ऑल कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए।